सभी स्टूडेंट्स प्लीज एक बार मुझे बताएंगे कि अभी मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर है या फिर नहीं yes, right, चलिए ठीक है uh, तो आप सभी को आई थिंक अब मेरी वॉइस क्लियर होगी तो ठीक है ऑल राइट वेरी गुड सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी uh, uh, मकर संक्रांति आप सभी जो है बहुत ज्यादा खुश रहे इसी तरह त्योहारों को मनाते रहे और सबके साथ खुशियां बांटते रहे और जैसा कि uh, आज से थोड़ा सा ठंड ज्यादा बढ़ी चुकी है शिव सूरज जी आ चुके हैं शिव चरण केशन रामविलास शिखा मिश्रा और ऑल uh, राइट uh, right, सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं तो जल्दी से, से सेशन को आप लोग शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और हम सेशन को स्टार्ट करेंगे सेशन को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ठीक है अच्छा आज नहा कर बैठे अच्छा हाँ भाई आज तो मकर संक्रांति है ना तो शुरू मतलब एकदम दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करने वाली है और जो लोग ने ये रेजोल्यूशन बनाया होगा कि एक जनवरी से एकदम अच्छी वाली पढ़ाई करेंगे उनको लग रहा होगा कि यार एक जनवरी से तो अभी तक कुछ नहीं कर पाए अब लेकिन आज पहला फोर्टीन जनवरी है आज से भी न्यू ईयर की शुरुआत होती है तो आज से तो हम पक्का छह घंटे दस घंटे पढ़ेंगे पढ़ेंगे है ना इसी तरह करते करते तो हम लोग पूरा साल बिता देते हो फिर नेक्स्ट साल आते हैं तो फिर यही सोचते हैं कि आज से हम से पढ़ाई करेंगे ठीक है है तो ऐसा नहीं आपका स्वागत है अच्छा हाँ थैंक यू सो मच मुलायम सिंह जी आ, हम, हम आपके घर आ जाएंगे तो हमारे घर की खिचड़ी कौन खाएगा <laughs> मेरी मम्मी भी तो बना के रखी होंगी ना कि सारे बच्चों के लिए खिचड़ी विचड़ी है तो सबके घर में बननी है और सभी को आज खानी है जिसको पसंद है उसको भी जिसको नहीं पसंद है उसको भी बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होती है लेकिन फिर भी आज के दिन तो जबरदस्ती खानी ही पड़ती है है ना तो चलिए कोई बात नहीं निराशा जी आ चुके हैं अंकित यादव राम बिलास चलिए आप सभी को बहुत बहुत, बहुत गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत बधाई आप सभी को मकर संक्रांति की बस अच्छे से पढ़ाई करिए मन लगा के पढ़ाई करिए कि सारे त्यौहार आपके ऐसे ही जो है बीते ऐसे ही खुशियों से भरे बीते और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए तो फिर तो क्या बात है ठीक है तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है सिलेक्शन पे और इसी पे के साथ में हम सेशन की शुरुआत करेंगे प्रबल का ऑनलाइन टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप है चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी पीडीएफ मटेरियल के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए ठीक है चलिए कोई भी हो हमें स्पीड पोस्ट करा सकता है नो प्रॉब्लम चलिए ठीक है अच्छी बात है भाई सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखें ठीक है चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम सेशन को देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है सेशन स्टार्ट हो चुका है सब लोग अब रेडी हो जाएं अब आपस में बातें करना बंद कर दीजिए अब आपको क्या करना है अब आपको यहां पे फोकस करना है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर है ठीक है देखते हैं क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन है लेह में नुब्रा घाटी में मनाया जाने वाला लेह में नुब्रा घाटी में मनाया जाने वाला पहला आइस क्लाइंबिंग उत्सव 11 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ है नुबरा घाटी में कितने प्रतिभागियों ने बर्फ चढ़ाई में भाग लिया है ये आपको बताना है आपके ऑप्शंस हैं 12 14 16 या फिर 18 चलिए जल्दी से आंसर करेंगे रामविलास जी का आंसर आ रहा है 18 केशन का आंसर है डी शिवचरण डी ज्वाला शिखा अंकित मुलायम सिंह आदर्श सभी का आंसर डी है भैरव सिंह आंसर कर रहे हैं सिक्सटीन अच्छा सभी ने आंसर देख लिया ओके okay, तभी मैं रही इतना इतने अच्छे से कैसे आप लोग आंसर कर सकते हैं कैसे आपका ये क्वेश्चन का आंसर सही हो गया है ना चलो बहुत स्मार्ट हो गए आप लोग चलिए तो देखते हैं सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये नहीं है कि कितने प्रतिभागियों ने भाग कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया ये तो क्वेश्चन आपको ऐसे घुमा के पूछा गया है बट एग्जैक्टली exactly आपको जो है क्या याद रखना है कि लेह में नुब्रा घाटी में मनाया जाने वाला अभी पहला आइस क्लाइंबिंग uh, उत्सव uh, हुआ है ठीक है आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि uh, किस जगह पे पहला आइस uh, क्लाइंबिंग uh, उत्सव मनाया गया है तो आपको याद रखना है कि ये नुब्रा घाटी में मनाया गया है कहाँ पे लेह में ठीक है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो एग्जाम में आएगा देखते हैं ले में नुब्रा घाटी में मनाया जाने वाला पहला आइस क्लाइंबिंग उत्सव 11 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ सात दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नॉर्डेन ऑटर की मदद से किया गया था चार महिलाओं सहित नुब्रा घाटी में 18 प्रतिभागियों ने बर्फ पर चढ़ाई की तीन प्रशिक्षकों रिग, रिग, रिग तसावंग सावंग नामग्याल और क्रान कौशिक ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया है ठीक है ये आपका जो है थोड़ा सा अजीब सा नाम है तो उसको याद रखिएगा आज के समय में स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए बिल्कुल स्मार्ट स्टडी भी होनी चाहिए और साथ में हार्डवर्क भी होना चाहिए ठीक है हार्डवर्क के साथ में अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं तभी आपका सिलेक्शन हो रहा है अदरवाइज या तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन जाते हैं वो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के भरोसे रह जाते हैं तो भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है अगर क्वेश्चन घुमा दिया तो और अगर आपने सिर्फ हार्डवर्क किया है अपनी स्ट्रेटी को नहीं अपनाया अपनी स्पीड को ध्यान नहीं दिया है आपने स्मार्ट वर्क उसमें एड नहीं किया है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको दोनों पे ध्यान रखना है दोनों तो ही चीजों को साथ में लेके चलना है उसका एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है आपके कॉम्पिटिशन आप में हम कहते थे, हमारे करते थे कि, अरे तुम्हें क्या पता है? हम तो साठ फर्स्ट डिविजन पास हुए हैं तो हमें लगता था साठी तो आए कौन सी बड़ी बात है हमारे तो अस्सी आ रहे हैं अब जब हम अस्सी लेकर के आते हैं तो आगे की जनरेशन देखते हैं जो हमसे छोटे भाई बहन है उनके देखते हैं भाई निन्यानवे परसेंट आ रहे हैं हंड्रेड मार्क्स आ रहे हैं बोर्ड्स में है ना तो ये चीजें अब टाइम के साथ में बहुत ज्यादा चेंज होती गई है ठीक है इंटेलेक्चुअल माइंड स्टूडेंट्स का काफी चेंज हो चुका है पहले जो कीमत सिक्सटी परसेंट मार्क्स की हुआ करती थी वो आज एट्टी परसेंट मार्क्स की भी नहीं है ठीक है तो ये सारी चीजें इवॉल्व होते होते अब कॉम्पिटिशन का लेवल भी काफी बढ़ गया ठीक है इसी तरह से आप देखते होंगे कि जैसे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो कट ऑफ में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको पता चलते हैं पहले जहां पर सिलेक्शन आपका जो है फिफ्टी मार्क्स में ही सिलेक्शन हो जाए

वही है आपको भी उसी के साथ में लेकर के चलना पड़ेगा अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होने वाली है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में निम्नलिखित में से किसको परिवहन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपके ऑप्शन हैं पूर्वोत्तर रेलवे पूर्वी रेलवे दक्षिण मध्य रेलवे या फिर पश्चिम रेलवे चलिए सभी लोग आंसर करेंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में निम्नलिखित में से किसको परिवहन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ऑप्शन है आपके पूर्वोत्तर रेलवे पूर्वी रेलवे दक्षिण मध्य रेलवे या फिर पश्चिम रेलवे चले ऑलराइट right, रामविलास का आंसर आ चुका है ए शिवचरण सी बता रहे हैं सुषमा बता रही हैं आंसर ए होना चाहिए ज्वाला ए शिखा मिश्रा ए केशन का आंसर बी है और मुलायम सिंह यादव आंसर कर रहे हैं सी चले देखेंगे क्या करेक्ट आंसर है <coughs> सभी स्टूडेंट्स आंसर करें आदर्श का आंसर सी है और ओमकार शर्मा जी का आंसर भी बी आया हुआ है पूर्वी रेलवे चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर करते रहे अपने फ्रेंड्स के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ठीक है शिव सूरज जी का आंसर ए है अंकित यादव जी का आंसर भी ए है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका किसका है करेक्ट आंसर है आपका पूर्वोत्तर रेलवे दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ठीक है चले क्लियर है तो करेक्ट आंसर आपका क्या है पूर्वोत्तर रेलवे देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूज क्या है तो भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में सबसे पहले तो तेरा सम्मान प्राप्त किए हैं सबसे ज्यादा है ठीक है अभी तक कितने जो है सबसे ज्यादा सम्मान कितने हैं तेरह सम्मान जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय रेलवे को मिले हैं किसमें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दो के अकॉर्डिंग परिवहन श्रेणी की अगर हम बात करें तो परिवहन श्रेणी में पश्चिम रेलवे को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ठीक है सॉरी करेक्ट आंसर आपका पश्चिम रेलवे है, सॉरी स्टूडेंट्स पूर्वोत्तर रेलवे नहीं है करेक्ट आंसर आपका पश्चिम रेलवे है, ठीक है तो पश्चिम रेलवे को प्रथम पुरस्कार हाँ डी आंसर है पश्चिम रेलवे को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पूर्वी रेलवे को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उत्तर पूर्व रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है ठीक है हाँ करेक्ट आंसर आपका डी है पश्चिम रेलवे होना चाहिए पूर्वोत्तर रेलवे नहीं है ठीक है और भवन श्रेणी में अगर हम बात करें तो भवन दैट मीन्स जो बिल्डिंग कैटेगरी है उसमें भावनगर में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय ने प्रथम पुरस्कार जीता है ठीक है तो उसको याद रखिएगा थोड़ा सा मुझे माफ करने में गलती होगी हाँ निराशा जी का सही है बहुत अच्छी बात है निराशा बधाई हो आपका आंसर सही हो गया शीलू रॉय आज एबसेंट है ठीक है लग रहा है कि वो भी काम में बिजी ही होंगी सुबह सुबह से सारे लोग आज काम में बिजी हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे आज तो बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं दिख रही है मुझे मकर संक्रांति है तो मतलब नहान के लिए तो बहुत भीड़ जाती है संगम साइड में बट तो आज कुछ ज्यादा खासा भीड़ भी नहीं है तो आई थिंक कोरोना इफेक्ट है यहाँ पे भी आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ये एक फेस्टिवल से रिलेटेड है स्टैटिक पोर्शन में भी इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है ठीक है तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2021 में राज्य के सेनापति जिले के माओ में वर्चुअल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया है आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन डायरेक्टली किस तरह से पूछा जा सकता है डायरेक्टली आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है चले सल, जल्दी से आंसर करेंगे आपके ऑप्शन है मणिपुर सिक्किम असम या फिर त्रिपुरा अच्छा अंकित जी का एस uh, एस में 74 सही था बट हो नहीं पाया कोई बात नहीं अंकित जी नेक्स्ट टाइम जरूर होगा बस आप जो है लगे रहिए मेहनत मत छोड़िएगा ठीक है पकौड़े बना रही है अच्छा पढ़ने वाले बच्चे आए हैं ओ जी बिल्कुल बिल्कुल आज पढ़ने वाले बच्चे हैं रोजी रहते हैं निराशा का आंसर ए है मुलायम सिंह ए सुषमा बी ज्वाला आंसर कर रहे हैं ए शिव सूरज डी रामविलास जी ए ओमकार सी नवीन बी निखिलेश बी शिखा मिश्रा ए निराशा ए आदर्श का आंसर सी है चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है ठीक है तो वर्चुअल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आपका मनाया जाता है मणिपुर में ठीक है तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 जनवरी 2021 को राज्य के सेनापति जिले के माओ में वर्चुअल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया है चेरी ब्लॉसम जिसे प्रूनस सेरासोइटिस भी कहा जाता है पूर्व और पश्चिम खासी पहाड़ियों को कवर करता है ये जीवंत फूल जंगली में सॉरी जंगल में उगते हैं लेकिन मेघालय में अक्टूबर और नवंबर के दौरान पूरे राज्य में देखे जा सकते हैं तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा और मणिपुर में ही आपका ये जो वर्चुअल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ये मनाया जाता है ये क्वेश्चन एक बार आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ठीक है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको याद रखिएगा ऑलरेडी निकलेष जी आ चुके हैं गुड मॉर्निंग शिव जी का आंसर डी था भैरव सिंह ए अच्छा रामविलास जी का आई थिंक सही हो गया है एन बीरेन्द्र सिंह नजमा हेबुल्ला गवर्नर है बहुत अच्छे दीपक का आंसर दीपक जी आ चुके हैं गुड मॉर्निंग तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा करेक्ट आंसर है आपका मणिपुर में कौन सा फेस्टिवल है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो मनाया जाता है माओ में ठीक है आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है तो किस राज्य ने पिपली को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है आपके ऑप्शन है पंजाब हरियाणा राजस्थान या फिर गुजरात पिपली एक जगह का नाम है और उस जगह को आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जिसने की विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है अब जिस भी जगह पे आपका पिपली होगा जिस राज्य में तो वही उसका आंसर हो जाएगा अगर आपको पता है कि पिपली कहां पर है तो आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे पंजाब हरियाणा राजस्थान या फिर गुजरात चलिए जल्दी से आंसर करेंगे मुलायम सिंह यादव जी का आंसर है ए रामविलास जी ए बता रहे हैं निकलेश बी ज्वाला ए भैरव सिंह यादव ए शिवचरण जी का आंसर भी ए है सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज सेशन को शेयर कर दे और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले आदर्श का आंसर भी ए है शिवचरण जी ए बता रहे हैं भैरव सिंह ए बता रहे हैं बट आंसर हरियाणा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो हरियाणा ही आंसर है हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र में पिपली को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है ठीक है बी आंसर निखिलेश जी ने दिया था खाली निखिलेश प्रजापति ने उन्हीं का आंसर सही है बाकी सबके गलत है तो पिपली में सरस्वती सेतु पर विकसित किया जाने वाला पर्यटन केंद्र देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा और हरियाणा को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर भी स्थान देगा ठीक है और इसी के साथ में नौका विहार के अलावा हब रेस्तरा पार्क संग्रहालय आदि जैसे सुविधाओं की एक विस्तृत शृक्ला भी यहाँ पे पेश की जाएगी और इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं पिपरी और पि, पि, पिपली में कंफ्यूज्ड है कोई बात नहीं पिपली है यहाँ पे पिपरी नहीं है ठीक है लिखा तो हुआ है सामने फिर क्या कंफ्यूजन है पिपली जगह का नाम है मैंने आपको बताया तो था ठीक है चलिए तो यहाँ पे आपकी जो मुख्यमंत्री हैं कौन है मनोहर लाल खट्टर है अगर यहाँ पे राज्यपाल की बात करें तो सत्यदेव नारायण आ रहे हैं लोकसभा सीटें यहाँ पे दस हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पर पांच है ठीक है आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से आंसर करें ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी दो में भारतीय एयरटेल ने किसके साथ मिलकर भारत में एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस फुल फॉर्म क्या है इसका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब कि सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग मध्यम उद्योग ठीक है इंटरप्राइजेस <coughs> के डिजिटल परिवर्तन शुरू किया है फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ जनवरी 2021 में भारतीय एयरटेल ने किसके साथ मिलकर भारत में एमएसएमई के डिजिटल परिवर्तन की शुरुआत की है आपके ऑप्शंस हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग नाबार्ड राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम या फिर सिडबी। चले सभी लोग आंसर करेंगे शिव सूरज जी का आंसर सी है ओमकार सी आंसर कर रहे हैं ज्वाला का आंसर भी सी है शुष आंसर डी कर रही हैं चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा शिखा मिश्रा का आंसर सी है जी हाँ सारे लोग अपनी प्रेजेंट लगा दें प्लीज ठीक है प्रेजेंट कैसे लगानी है सेशन को लाइक करके आपको अपनी प्रेजेंट लगानी है सभी जितने लोग प्रेजेंट हैं सभी लोग लाइक करेंगे उनकी प्रेजेंट लगेगी निकलेश जी का आंसर ए है ठीक है चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ठीक है एमएसएमई के डिजिटल परिवर्तन की शुरुआत भारतीय एयरटेल ने किसके साथ मिलकर के की है तो करेक्ट आंसर है आपका राष्ट्रीय लघु उद्यम उद्योग निगम ठीक है सभी का आंसर मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स का आंसर सी था जो कि सही है ठीक है तो भारतीय एयरटेल और नेशनल स्मॉल नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन दैट मीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एनएसआईसी ने मिलकर भारत में एमएसएमई के परिवर्तन को शुरू किया है एयरटेल के लाखों छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए एयरटेल की कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंसिंग क्लाउड सुरक्षा और गो टू मार्केट समाधानों तक पहुंचना आसान हो जाएगा और इसी के साथ में एयरटेल पहले से ही भारत भर में मिलियन से अधिक मध्यम और छोटे व्यवसायों के लिए कार्य करता रहा है ठीक है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय एयरटेल और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लगा दिए प्रेजेंटी ऑल राइट वेरी गुड बहुत अच्छी बात है और सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं मेरे कोई बात नहीं ठीक है कभी गलत तो कभी सही कभी सुख कभी दुख ये तो लगा रहता है ठीक है कोई बात नहीं बस अपनी मेहनत करते रहिए पढ़ते रहिए जो भी क्वेश्चंस में करा रही हूँ क्लास में वो सारे क्वेश्चंस करते रहिए ठीक है बिल्कुल ही आपको जो है एग्जाम में जब आप देने जाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा ठीक है चले आगे बढ़े देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अटल इनोवेशन मिशन ठीक है ये मिशन नहीं है ये मिशन है ठीक है अटल इनोवेशन मिशन एम ने जनवरी 2021 में अटल टिंकरिंग लैब एटीएल हैंडबुक का अपना नया संस्करण लॉन्च किया है और आपको बताना है कि एम निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग आरबीआई से बी या फिर डीआरडीओ चलिए सभी लोग आंसर करेंगे नीति आयोग सभी के मैं फुल फॉर्म यहां पे लिख दे रही हूं ठीक है नीति आयोग है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आरबीआई का सभी को पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेबी की बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ठीक है सभी लोग आंसर करें ओमकार जी का आंसर बी है शिखा और राइट रामविलास जी का आंसर ए है नीति आयोग ज्वाला आंसर डी कर रहे हैं आदर्श बी और निखिलेश जी को लग रहा है कि डीआरडीओ होना चाहिए मुलायम सिंह यादव आंसर बी कर रहे हैं चले देखते हैं डीआरडीओ क्या है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और ये हमने डिस्कस ही किया हुआ है डीआरडीओ <coughs> की अगर हम बात करें तो उसका गठन कब हुआ था 1958 में हुआ था हेड क्वार्टर पे है न्यू दिल्ली में ठीक है, इसके है? इसके हेड कौन जी सतीश रेड्डी जी सतीश रेड्डी ठीक है दूसरी बात सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो 1988 में ये आपका क्या है 1988 में आ, आ, जो है इसका एक्ट बना था और 1992 से इसने कार्य अपना प्रारंभ किया है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसके जो हेड है सॉरी इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है मुंबई में है ठीक है और फिलहाल मुझे इसके हेड का नाम याद नहीं आ रहा है अजय त्यागी है क्या आई थिंक ठीक है तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली exactly इसका नाम आरबीआई के बारे में सभी को पता है कि आ, 1935 में ये बना था जब ये बना था तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था फिर इसका बा, इसके बाद में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके मुंबई में कर दिया और आज भी मुंबई में ही है और आरबीआई के जो आ, गवर्नर है उनका नाम क्या है शक्तिकांत दास है एक जुलाई उन्नीस बहुत अच्छे नीति आयोग ठीक है और करेक्ट आंसर आपका क्या है करेक्ट आंसर है आपका नीति आयोग ठीक है नीति आयोग का गठन आई थिंक दो हजार या पंद्रह में हुआ था एक जनवरी को हुआ था बस इतना याद है है ठीक हाँ, देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज क्या है अटल इनोवेशन मिशन एम नीति आयोग ने 12 जनवरी 2021 को अटल टिंकरिंग लैब ए हैंडबुक का नया संस्करण लॉन्च किया एक अटल टिंकरिंग लैब एक मेक आ, मेक सरपे सरपेस प्रदान मेकर्स uh, स्पेस प्रदान करता है जहां युवा दिमाग अपने विचारों को हैंड्स ऑन मोड हैंड्स ऑन दी इट मोड के आईटी मोड के माध्यम से आकार दे सकते हैं और नवाचार कौशल सीख सकते हैं ठीक है यहां पे बेसिकली टिंकरिंग लैब्स होती क्या है हाँ एक जनवरी 2015 है नीति आयोग 1915 पंद्रह नहीं है अजय त्यागी जी ही है सेबी के हेड बिल्कुल सही है शौर्य जी आ चुके हैं गुड मॉर्निंग हैप्पी बकर संक्रांति आपको भी ठीक है हाँ एक जनवरी 2015 है 2014 और 15 में मैं कंफ्यूज थी और डेट तो याद थी चलिए तो यहाँ पे रिलेटेड न्यूज देखते हैं सबसे पहले आपको समझना होगा कि अटल टिंकरिंग लैब्स होती क्या है ठीक है अटल टिंकरिंग लैब्स अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कुछ लैब्स बनाई गई है जो पूरे देश में है और ये जो लैब्स है ये जो बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना रहता है रिसर्च करना रहता है प्रैक्टिकल्स करने रहते हैं ठीक है उन सभी के लिए जगह जगह पे बनाई गई जगह जगह यूनिवर्सिटीज और हर जगह बनाई हुई लैब्स है जिससे कि उन स्टूडेंट्स को मदद मिल सके जो कि उनकी पढ़ाई में हेल्प करेगा ठीक है तो ये लैब्स हैं जो कि बनाई किसकी गई के तहत गई हैं ये आपका शुरू किया गया था आ, इसका भी नया संस्करण लॉन्च किया गया है लेकिन इसको शुरू किया गया था नीति आयोग के अंतर्गत ठीक है अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक टू ओ नामक हैंडबुक एआईएम के प्रमुख अटल टिंकरिंग लैब कार्यक्रम के संरचनात्मक चयन स्थापना और उत्सव के पहलुओं पर एक व्यवहारिक मार्गदर्शन को रेखांकित करता है इसी के साथ में नीति आयोग ने देश भर में सात हजार से अधिक अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की है ठीक है तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना होगा आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 में केंद्र सरकार की प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अपने संचालन के कितने साल सफलता पूर्वक पूरे कर लिए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है ये फसल को लेकर के बीमा से रिलेटेड है ठीक है फसल को लेकर के बीमा से रिलेटेड है जिन किसानों की फसलें खराब हो जाएंगी अगर उन्होंने अपने फसल का बीमा करा रखा है तो उसकी जो हर्ज हर्जाई है उसकी जो पूर्ति है वो सरकार द्वारा की जाएगी तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था और अब आपको बताना है कि इस इस, इस आ, स्कीम ने कितने साल अपने पूरे कर लिए हैं हाँ जी बिल्कुल तमिलनाडु ने दो जी डेटा फ्री डाल दे रखा है ठीक हाँ काश कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो सके ठीक है मैं भी यही सोच रही थी कि यूपी में भी इसको लागू करना चाहिए बिल्कुल ठीक है रामविलास जी का आंसर ए है केशन डी आंसर कर शिव सूरत ए शिव चरण ए और निराशा का आंसर ए है ज्वाला डी देवित का आंसर थ्री है ललित आ चुके हैं गुड मॉर्निंग अंकित यादव दो सुषमा ए शिखा मिश्रा आंसर ए कर रही हैं मुलायम सिंह ए आदर्श ए देवित कुमार गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है भाई फसल बीमा योजना ने अपने पांच साल पूरे किए हैं ठीक है आ, करेक्ट आंसर क्या है पांच साल तो केंद्र सरकार की प्रमुख फसल बीमा योजना जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबी के नाम से भी जानी जाती है अपने संचालन के पांच साल पूरे कर लिए हैं क्योंकि ये दो या सोलह में लॉन्च की गई थी दो में ये योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी और अब 2021 आ गया है 13 जनवरी 2021 को इसने पांच साल पूरे कर लिए हैं ठीक है ठीके? और ये योजना बुआई पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक पूरे फसल चक्र के लिए कवरेज देती है जिसमें रोकी गई बुआई और मध्य मौसम प्रतिकूल से होने वाला नुकसान भी शामिल है ठीक है तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फसल बीमा योजना ने अपने कितने वर्ष पूरे किए तो इसने पांच साल पूरे कर लिए अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी कौन से साल में हुई थी किस डेट को हुई थी तो आपको याद रखना है तेरह जनवरी दो ठीक है आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सभी लोग आंसर कर दे सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए जितने भी नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का वेलकम है सेशन को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और अगर हमारे चैनल पे आप न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर ठीक ले, है लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ठीक है वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है आपके ये है आपके पीयूष गोयल तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक जनवरी 2021 में नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 विषय पर आयोजित की गई नई विदेश व्यापार नीति एफ किस महीने से लागू होगी ये आपको बताना है आपके ऑप्शन है मार्च 2021 अप्रैल 2021 मई 2021 या फिर जून 2021 चले रामविलास जी का आंसर बी है केशन ने आंसर ए किया है सुषमा का आंसर बी है ज्वाला का आंसर बी है ललित आंसर ए कर रहे हैं और शिवसूरत का आंसर भी ए है मुलायम सिंह आंसर ए कर रहे हैं आदर्श ए शिखा ए अंकित का आंसर भी है चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर है आपका अप्रैल 2021 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की संसदीय परामर्श दात्री समिति की बैठक 12 जनवरी 2021 को नई विदेश व्यापार नीति दो से छब्बीस विषय पर आयोजित की गई और वहां पे यह बताया गया कि नई विदेश व्यापार नीति एफटीपी एक अप्रैल 2021 से पांच साल की अवधि के लिए लागू होगी ठीक है और यह भी बताया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब पहल है एफ एक महत्वपूर्ण घटक बनाएगा ठीक है तो आपको याद रखना है कि जो आपकी नई विदेश व्यापार नीति है वो कौन से साल से शुरू कौन से आ, महीने से शुरू होगी ये शुरू होगा आपका 1 अप्रैल 2021 से और इसके बाद में आपका ये पांच साल तक के लिए लागू होगा तो ये आपका लागू होगा 2026 तक ठीक है जी हाँ गुड मॉर्निंग पुष्पेंद्र जी आपको भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं ठीक है तो कैसे हैं आप आई थिंक कि अच्छी से ठंडी तो पड़ी नहीं होगी वहां पे ठीक है तो काफी ज्यादा ठंड पड़ती है <coughs> चले आगे बढ़े देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को स्वच्छता और स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए 12 जनवरी 2021 को कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपको बताना है कि सरकार ने किस वर्ष में कायाकल्प पहल शुरू की थी आपके ऑप्शन हैं 2013, 2014, 2015 या फिर 2016। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे रामविलास का आंसर ऑलरेडी आ चुका है इन्होंने आंसर किया हुआ है बी अच्छा बिल्कुल अंकित यादव जी 26 जनवरी को सूरी नाम के राष्ट्रपति जी आ रहे हैं ये भी जानकारी है जरा राष्ट्रपति जी का नाम भी बता दें तो अच्छा होगा ज्वाला है मुलायम सिंह यादव आंसर बी कर रहे हैं शिखा भी बी है काया पल, कल्प की शुरुआत 2014 से हुई थी सुषमा जी का आंसर भी बी है ठीक है तो अंकित जी का आंसर 2015 टू आ रहा है <laughs> आ, ओके पुष्पेंद्र जी आंसर कर रहे हैं बी बिल्कुल सही है ठीक है बट करेक्ट आंसर क्या है आपका पंद्रह ठीक है तो सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को स्वच्छता और स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए 12 जनवरी 2021 को कायाकल्प पुरस्कार सम्मानित किया गया सरकार ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता सैनिटेशन और साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए 15 मई 2015 को एक राष्ट्रीय पहल कायाकल्प की शुरुआत की थी और यह योजना अब तक छब्बीस हजार एक सौ बहत्तर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक फैल गई है ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है सभी का आ, गलत है और करेक्ट आंसर अंकित यादव जी ने दिया था केशन ने दिया है पुष्पेंद्र ने दिया है नहीं सॉरी पुष्पेंद्र और केशन का तो गलत है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है दैट 2015 ठीक है ऑप्शन मेरा गलत मैंने बताया ठीक है हाँ, <laughs> आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से आंसर करें चंद्रका प्रसाद संतोखी चीफ गेस्ट रहेंगे बिल्कुल करेक्ट है सभी स्टूडेंट्स डन सूरी नाम के राष्ट्रपति हैं ठीक है और ये आपके 26 जनवरी में आ, को आ रहे हैं इससे पहले कौन आने वाले थे जिनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है ये बताए इससे पहले आपको बताना है 26 जनवरी पे ऐसे कौन से व्यक्ति थे कहाँ के राष्ट्रपति थे जो कि आने वाले थे लेकिन कोरोना वायरस के चलते वो अब नहीं आ रहे हैं और उन्होंने अपना कार्यक्रम जो है वो कैंसिल कर दिया है ऑलराइट मुलायम सिंह जी बता चुके हैं बोरिस जॉनसन ठीक है बोरिस जॉनसन करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम के ये आपके प्रधानमंत्री हैं और जो कि आने वाले थे बट uh, क्योंकि वहां पे आदर्श जी भी बता रहे हैं, हाँ, इंग्लैंड कह सकते हो ब्रिटेन कह सकते हो ठीक है इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम भी सेम ही है ऑलमोस्ट ठीक है तो बोरिस जॉनसन फ्रांस के नहीं है सुषमा जी ठीक है कहा के हैं ब्रिटेन के हैं तो ये आने वाले थे लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से क्योंकि वहां पे उनके देश में यूनाइटेड किंगडम में बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ है इस चक्कर में वो नहीं आ सके ठीक है हाँ मैं बिल्कुल साइड हो जा रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन इज जनवरी दो में किसने वियतनाम के सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल ग्यून ची विन ग्यून विन के साथ तेरहवी भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता की है आपके ऑप्शन है राजनाथ सिंह डॉक्टर अजय कुमार नितिन गडकरी या फिर जेपी नड्डा और मुझे पता है कि आप लोग आंसर क्या देने वाले हैं देखो आंसर आने शुरू भी हो गए हैं निराशा जी का आंसर ए आ चुका है आदर्श जी का आंसर ए है सुषमा आंसर ए कर रही हैं अंकित जी बोरिस जॉनसन बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है शिखा मिश्रा आंसर ए ज्वाला ए केशन ए और मुलायम सिंह का आंसर बी आया हुआ है शिव शिव सूरज जी आंसर ए बता रहे हैं हाँ बिल्कुल सही है पुष्पेंद्र जी छब्बीस जनवरी को सूरी नाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संदोखी आएंगे मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस पर और शिव चरण जी का आंसर भी बी आया है पुष्पेंद्र जी आंसर ए कर रहे हैं जैसे ही सुरक्षा और रक्षा की बात आती है तो रक्षा मंत्री जी की याद आ जाती है राजनाथ सिंह की बट ये करेक्ट आंसर नहीं है और करेक्ट आंसर है आपका डॉक्टर अजय कुमार ठीक है करेक्ट आंसर आपका क्या है डॉक्टर अजय कुमार तो रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ये ध्यान रखें कि अगर रक्षा मंत्री ठीक है अगर रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह हैं तो डॉक्टर अजय कुमार भी आपके रक्षा सचिव हैं तो वो भी आंसर हो सकता है तो रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने 12 जनवरी 2021 को वियतनाम के सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल ग्यून ची विन के साथ भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता की है और दोनों ने हाल ही में संपन्न आभासी शिखर सम्मेलन में बनी कार्य योजना पर विचारों का आदान प्रदान भी किया है उन्होंने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों पर प्रगति की समीक्षा भी की है ठीक है जी हाँ मुलायम सिंह जी का आंसर एकदम करेक्ट था वही मैं देख रही थी शिवचरण जी ने भी आंसर एकदम करेक्ट किया है दो ही स्टूडेंट्स ने आंसर करेक्ट किया था यहाँ पे ठीक है और अगर हम बात करें वियतनाम की राजधानी की तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है हनोई इसकी करेंसी क्या है डोंग और यहाँ पे आपके जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है ग्वीन फू थ्रोंग ठीक है तो इम्पोर्टेंट है इसको याद रखिएगा हाँ क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है आई थिंक ठीक है आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर ठीक है चलिए परेशान मत होए ठीक है पढ़ते रहें बिल्कुल आपका भी सही होगा ठीक है बस ध्यान देते रहिए पढ़ते रहिए इंपॉर्टेंट देखो सिर्फ करंट अफेयर्स को अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर से भी कवर कर रहे हैं वो तो ठीक ही है बट न्यूज़पेपर के अलावा आप को किसी भी साइट से भी देखा करें वहां से भी आप न्यूज उठाया करें क्योंकि कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं नहीं हो नहीं कर पाते हैं या ध्यान नहीं दे पाते हैं कि क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है तो इसलिए जब आप आ, किसी वेबसाइट से देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि पढ़ना है फेल ही हो जाओगे इतने गलत हो रहे हैं आंसर नहीं सुषमा जी बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है ठीक है बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है पढ़ते रहें लगे रहें और जल्द ही आपको जो है वो मतलब चीजें समझ में आने लगेंगी क्योंकि अभी आपने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से शहर अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गुणवत्ता वाले कपड़े का निर्यात करने जा रहा है आपके ऑप्शन है मैसूर वाराणसी कोयमबटूर या फिर वारंगल चले आंसर करेंगे मुलायम सिंह जी का आंसर है ए पुष्पेंद्र आंसर ए कर रहे हैं ज्वाला का आंसर बी है केशन बी आंसर कर रहे हैं शिव बी सुषमा जी का आंसर बी है जी हाँ यहाँ गलत कर सकते हैं आप लोग लेकिन एग्जाम में गलती नहीं करनी है ठीक है यहां पे अगर आपसे गलती हो रही है कोई बात नहीं बट इसी गलती को आपको सुधारना है शिव सूरज जी आंसर कर रहे हैं ए आदर्श जी का आंसर भी ए है ऑल राइट right. इंडिया इंडिया आ चुके हैं गुड मॉर्निंग शिखा मिश्रा का आंसर भी ए है चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका ए बिल्कुल भी नहीं है ठीक है करेक्ट आंसर आपका ए बिल्कुल भी नहीं है और सही आंसर आपका क्या है वाराणसी है ठीक है वाराणसी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गुणवत्ता वाले कपड़ों का निर्यात करने जा रहा है तो आप जानते ही हैं कि वाराणसी आपका जो है वो क्या है वाराणसी आपका क्या है आप बहुत ज्यादा फेमस है ठीक है किस लिए आपके जितने भी बनारसी है बनारसी उद्योग है उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है ब्रोकेड्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है जरी का काम काफी होता है वहां पे तो इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पे कपड़ों के उद्योग की बात करी गई है तो अपनी सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध वाराणसी अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गुणवत्ता वाले कपड़े का निर्यात करने जा रहा है और जापानी लाइफ रिटेलर यूनि क्यू ओ काशी से अपने कपड़ों के लिए थोक कच्चा माल खरीदने की योजना बना रहा है और यूएनआई क्यू एल गुजरात में एक कारखानों में सामग्रियों को संसाधित भी करेगा और इस सौदे से वाराणसी को बुनाई उद्योग में काफी ज्यादा मदद मिलेगी ठीक है ये आपका इंपॉर्टेंट है हाल ही में किस बैंक ने सेना के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है आई थिंक ये आपका एच बैंक है पुष्पेंद्र ठीक है एच बैंक होना चाहिए आंसर चले आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके देखो एग्जाम में आते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए हम ये तो जानते हैं कि हाँ बनारस सी बनारसी सिल्क आपका जो है इंपॉर्टेंट है बनारस से रिलेटेड है और यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है लेकिन जब हम कपड़े उद्योग की बात करते हैं तो हम बनारस को जो है क्या करते हैं वाराणसी को नजरअंदाज कर देते हैं तो ऐसा नहीं होना है आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर पाएंगे ठीक है और बनारस में आपका जो बनारसी सिल्क है या ब्रोकेड है ये आपका जी टैग भी है ठीक है ये आपका यहाँ का जीआई टैग भी है और जीआई टैग से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो आपका है क्या हो जाएगा आपका ये गुआवा है ठीक है वो आपका हो गया इलाहाबाद का उसके अलावा आपकी जो कारपेट्स हैं वो भदोही की और मिर्ज़ापुर की कारपेट्स है ठीक है ये सारे आपके हो जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थायी रूप से पर्यटन को विकसित करने और बढ़ाने के उद्देश्य से नई पर्यटन नीति की घोषणा की है आपके ऑप्शन हैं राजस्थान गुजरात पंजाब या फिर गोवा चले आंसर करें अच्छा बंधन बैंक है तो ठीक है कोई बात नहीं बंधन बैंक लगा लीजिए ठीक है आई वॉज नॉट श्योर मैंने पहले बोला था कि मैं श्योर नहीं हूं मे बी एच बैंक है ठीक है अगर बंधन बैंक है तो अच्छी बात है ठीक है बट एच बैंक ने भी हाल ही में कोई सैलरी साल, रिलेटेड अकाउंट का काम किया है हाँ मेटल क्राफ्ट भी यहाँ का फेमस है वाराणसी का मेटल जो बीड्स होती है वो ज्यादा फेमस है ठीक है चले शिव चरण जी का आंसर गुजरात आया हुआ है विनेश राणा बी आंसर कर रहे हैं शिव सूरत आंसर बी कर रहे हैं ठीक है चलिए शिखा मिश्रा का आंसर भी बी है गुजरात बता रहे हैं तो आपको देखना है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थायी रूप से पर्यटन को विकसित करने और बढ़ाने के उद्देश्य से नई पर्यटन नीति की घोषणा की है तो सभी स्टूडेंट्स आंसर बी कर रहे हैं और केशन जी का आंसर भी डी है और सुषमा का आंसर बी है तो देखेंगे इसका करेक्ट करेक्ट आंसर 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 क्या है 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 ज्वाला ने आंसर ए किया हुआ है, करेक्ट आंसर आपका ठीक बी तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पर्यटन को स्थायी रूप से विकसित करने और बढ़ाने के उद्देश्य से नई पर्यटन नीति की घोषणा की है और ये जो नई पर्यटन नीति है वो कब से कब तक लागू होगी 2021 से 2025 तक तो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2025 तक ये प्रभावी रहेगी और इसी के साथ में स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी ये नीति जो है वो फोकस करेगी वोकल फॉर लोकल पर ठीक है और अगर हम बात करें गुजरात के मुख्यमंत्री की तो ये कौन है आपके विजय रूपानी है ठीक है और राज्यपाल कौन है आचार्य देवव्रत है जिलों की संख्या यहाँ पे आपकी कितनी है तैंतीस है ठीक है चले आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ठीक है रामविलास जी बता रहे हैं आचार्य देवव्रत बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ठीक है पुष्पेंद्र जी आपके क्वेश्चन का आंसर भी बंधन बैंक है ठीक है बंधन बैंक इज द राइट आंसर इसने ही अभी जो है श्योर जो है वो किया है सैलरी अकाउंट खोला है सेनाओं के लिए ठीक है आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है ठीक नेक्स है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय है जो कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित यूएलबी सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है आपके ऑप्शन है सिक्किम त्रिपुरा मणिपुर या फिर नागालैंड चलिए बताएं मैम इस बार नौ साल बाद मकर संक्रांति पर दुर्लभ योग बन रहा है अरे भाई मुलायम सिंह यादव आप जो है यूट्यूब के वो ज्ञानियों के चक्कर में मत पड़ा करो ठीक है हर हर साल नया योग है हर दिन नया योग है ठीक है मानो तो बहुत कुछ है ना मानो तो कुछ नहीं है ठीक है आप ऐसे ये सब चीजें देखो ये अच्छी बात है हाँ हो सकता है बिल्कुल सही है कि मैं मान सकती हूँ नौ सौ नब्बे साल बाद कुछ नया योग बना होगा दुर्लभ योग बना होगा बट इससे कोई हमारे रिलेटेड हमारी लाइफ से आज सच कोई भी मतलब इशू नहीं होता है हमारी रिलेटेड हमारी लाइफ से ऐसा कुछ भी रिलेटेड नहीं होता है ठीक है तो ये सब चीजें सिर्फ कहने की बातें हैं सिर्फ हमें अपनी अपने लक्ष्य पे फोकस करना है और कुछ नहीं ठीक है न्यूज है आज का जी हाँ बिल्कुल वो तो यार न्यूज में तो देंगे ही देंगे उनको तो अपना न्यूज चलाना है ना तो वो तो देंगे ही सुषमा जी का आंसर ए है अंकित गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ बहुत अच्छे अंकित जी ठीक है आप चीफ जस्टिस भी साथ में लिखते रहा करे हाईकोर्ट के ठीक है शिव सूरज जी का आंसर बी है निराशा ए बता रही है केशन का आंसर ए है ज्वाला बी रामविलास बी आदर्श ए और जॉब के योग्य है कि नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुलायम सिंह यादव ए बता रहे हैं शिखा मिश्रा ठीक है देखो आपको सिर्फ अपनी फोकस रखो अपने पढ़ाई पे और अपने उस पर ये न्यूज चैनल्स हैं ठीक है या फिर आपके जो भी न्यूज पेपर्स है ये अगर आप वो लोग ऐसी न्यूज नहीं देंगे तो आप न्यूज पढ़ेंगे कभी ये ऐसी न्यूज वो लोग इसलिए जानबूझ के देते या न्यूज चैनल वाले ऐसी न्यूज इसलिए बताते ताकि लोग अट्रैक्ट हो अब आप देखो सुशांत सिंह राजपूत हालांकि उसने क्या किया था सुसाइड ही किया था लेकिन जबरदस्ती जो है पूरे मतलब तीन महीने चार महीने तक रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ के रह गए कि उसने मतलब उसने उसका मर्डर करवाया है या फिर ये सारी चीजें हैं ठीक है चीके? तो ये सब चीजें रहती है वो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी गेन करने के लिए होता है तो आप इसीलिए मैं कहती हूं आप लोग जेन्यन न्यूज चैनल देखा करो जैसे डीडी न्यूज हो गया लोकसभा हो गया राज्यसभा हो गया ये सारी न्यूज अगर आप देखेंगे या एआईआर पे ऑल इंडिया रेडियो पे आप न्यूज सुनेंगे तो आपको बेनिफिट होगा ठीक है बाकी न्यूज तो पढ़ना ही है और न्यूज में फिर ऐसी न्यूज आएंगे तो फिर वो देखना ही पड़ जाता है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है बट इग्नोर करा करें ये सारी न्यूज है ठीक है ये आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है हाँ बिल्कुल चलिए बर्ड फ्लू फैल रहा है भाई हाँ बच के रहो सारे लोग चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है तो करेक्ट करेक्ट आंसर है आपका मणिपुर दैट मीन सी ऑप्शन और सी ऑप्शन किसी ने भी नहीं दिया है तो मणिपुर शहरी स्थानीय निकाय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित यूएल सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य बना है राज्य खुले बाजार खुले बाजार उधार के माध्यम से 75 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है और इसी के साथ में मणिपुर अब तीन अन्य राज्यों कौन कौन से आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शामिल हो गया है जिन्होंने इस सुधार को पूरा किया है जिलों की संख्या की बात करें तो 16 है यहाँ पे लोकसभा सीटें दो है राज्यसभा सीटें एक है जी हाँ ये भी बात सही है कोई कार्य के पीछे कारण छिपा होता है ठीक है ये हमने कहा मना किया है आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है प्लीज स्टूडेंट्स सेशन को लाइक like करते चलिए अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते चलें और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों को सम्मान देने के लिए हर साल बारह जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है सभी को पता है ये चीज और अभी मनाया भी गया है अब आपको बताना है कि उनका जन्म किस वर्ष में हुआ था आपके ऑप्शंस हैं 1859 नेक्स्ट है आपका एटीन सिक्सटी थ्री एटीन सिक्सटी सेवन या फिर 1871. चले, आंसर करें बहुत अच्छे मुलायम सिंह यादव जी का आंसर भी आ चुका है 12 जनवरी 1863 मुख्य न्यायाधीश रामलिंगन सुधाकर बहुत अच्छे अंकित यादव रामविलास जी मणिपुर में तैरते हुए घर पाए जाते हैं अच्छा अब ये तो मैं तो मणिपुर जाके बता सकती हूँ ठीक है ज्वाला जी का आंसर बी है आदर्श बी बता रहे हैं रामविलास बी 1863 और शिखा मिश्रा भी केशन का आंसर बी है निराशा बी सुषमा भी, भी आते हैं चलिए शिव सूरज जी का आंसर बी है विमलेश शाह का आंसर 1863 है हाँ बिल्कुल सही है ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका क्या है 1863 और युवा महोत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है ठीक है तो 1863 सिक्सटी थ्री इज आंसर स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों विचारों के को सम्मान देने के लिए हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है यह दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती का दिन है और उनका जन्म 12 जनवरी अठारह को कोलकाता में हुआ था और भारत सरकार ने उन्नीस में दिवस मनाने की घोषणा की और उन्नीस से इसे मनाया जा रहा है ठीक है और इसी के साथ में इसका उद्देश्य क्या है स्वामी विवेकानंद के दर्शन और आदर्शों का प्रचार करना है ठीक है जल्दी से मुझे स्वामी विवेकानंद जी की बुक्स के नाम बता दे चले जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स बुक्स के नाम बता दीजिए स्वामी विवेकानंद के हमने कल डिस्कस भी किया था एक एक बुक के नाम सभी स्टूडेंट्स बताएंगे अरे भाई मुलायम सिंह यादव बस करो कर्म योग आ गया बहुत अच्छे कर्म योग है ज्ञान योग है और बताइए धर्म योग है ये तीन तो आपके बुक्स के नाम हो गए द ईस्ट एंड वेस्ट है और भी बुक्स के नाम किसी को पता हो तो प्लीज बताते रहे चलो कोई बात नहीं राजयोग है बहुत अच्छे सुषमा का आंसर है रामविलास जी भी राजयोग बता रहे हैं आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकिसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के में आरोग्य मेले का उद्घाटन कहा किया है आपके ऑप्शन है फरुखाबाद आगरा कानपुर या फिर फिरोजाबाद हाँ ईस्ट एंड वेस्ट भी है ठीक है जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आरोग्य मेले का उद्घाटन कहां कहा sure. <laughs> हाँ, समझ गए हम ए आंसर आ ही रहे हैं सबके ठीक है कर्म योग है धर्म योग है राज योग है ठीक फरुखा है फरुखाबाद है चलिए करेक्ट आंसर क्या है आपका फरुखाबाद है वो गलती से भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है ना तो तुम लोग की नजर बहुत तेज है ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है आपका करेक्ट आंसर है ए दैट मीन्स फरुखाबाद में यह उद्घाटन किया है चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जनवरी 2021 को फरुखाबाद के संकिसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है ठीक है किसका उद्घाटन किया है आरोग्य मेले का और आरोग्य मेले का उद्देश्य क्या है सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत योजना मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में लोगों को जागरूक करना है ठीक है फिर उसके बाद में महामारी से पहले आयोजित सात आरोग्य मेलों को 32 लाख लोगों को इलाज मिला और साथ ही में 2.14 दशमलव लाख लोगों ने आयुष्मान कार्ड भी बनवाए ठीक है दो फरवरी से प्रत्येक रविवार को सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक चौतीस सौ से अधिक स्थलों पर आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा और सभी को पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है यहाँ की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल है और जिलों की संख्या यहाँ पे पचहत्तर है आगे बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आपको बताना है कि जनवरी दो में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक सेवा और उनके काम के लिए कितने संगठनों संगठनों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपके ऑप्शन है आपको बताना है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित कितने लोगों को किया गया है दो तीन चार या फिर पांच अच्छा अंकित यादव जी संख्या से हैं बहुत अच्छी बात है खुशी हुई जानकर का आंसर तीन है शिवचरण जी आ, आंसर करें ऑप्शन नंबर सी केशन ए रामविलास जी पांच बता रहे हैं ज्वाला का आंसर तीन है शिव सूरज जी का आंसर सी है योगी आदित्यनाथ का पूरा नाम क्या है बता दो भाई कोई अभिषेक सिंह जी को सुषमा जी का आंसर बी है अंकित यादव का आंसर फोर है आदर्श का आंसर भी बी है ठीक है करेक्ट आंसर क्या है आपका फोर है ठीक है देखते तो तीस एनआरआई और भारतीय मूल के लोगों और संगठनों को 9 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है और सम्मानित होने वाले में सूरी नाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी हैं न्यूजीलैंड के मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन भी शामिल थे ठीक है इसी के साथ में सामुदायिक सेवा और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चार संगठनों को उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा चार संगठन ठीक है तो ये आपका करेक्ट आंसर था चले तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा कल फिर मिलेंगे ठीक सात बजे जुड़ना मत भूलिएगा कोई भी स्टूडेंट एबसेंट नहीं होगा रेगुलर बने रहिएगा ठीक है और साथ में सेशन को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे जो है वो नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच हैव हाँ ए नाइस डे हैप्पी हाँ मकर संक्रांति और आप सभी अपना ख्याल भी रखें